ऑफ़ द चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आई एम हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं देखिए सॉल्यूट पोटेंशियल पढ़ने से पहले एक बार वाटर पोटेंशियल मैं आपको रिवाइज करा दू थोड़ा सा ही टाइम लूंगा ज्यादा नहीं वाटर पोटेंशियल का सिम्बल क्या है एक त्रिशूल की तरह जिसे हम साई कहते हैं और उसके सब्सक्रिप्ट में डब्लू लगा दू तो आपको वाटर पोटेंशियल का सिम्बल मिल जाएगा वाटर पोटेंशियल क्या होता है वाटर की पोटेंशियल वाटर के अंदर कुछ एनर्जी है कुछ काइनेटिक एनर्जी और फ्री एनर्जी होती है खुद की वाटर मॉलिक्यूल्स की खुद की कुछ काइनेटिक एनर्जी या फ्री एनर्जी होती है एक सिस्टम में उसे ही हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल या केमिकल पोटेंशियल द काइनेटिक एनर्जी और फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एनी सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम्स वाटर पोटेंशियल या केमिकल पोटेंशियल हमने कहा था रिसेंट टाइम में मॉडर्न टाइम में अगर हमें मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पढ़ना है तो हम वाटर पोटेंशियल के थ्रू पढ़ते हैं यानी कि वो अगर दो सिस्टम है तो वाटर मॉलिक्यूल का फ्लो कैसे होगा जिस सिस्टम में वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां से वाटर फ्लो करेगा उस सिस्टम में जहां पे वाटर पोटेंशियल कम होगा यानी कि हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं ठीक है अक्रॉस द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन चलिए या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोल लो इतना हमने पढ़ा था और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी हमने कहा था जो वाटर पोटेंशियल है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय फॉलोइंग कंपोनेंट दो कंपोनेंट है जिससे हम वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करते हैं या आप कह सकते हो दो कंपोनेंट है जिससे वाटर पोटेंशियल जो है वो अफेक्ट होता है ठीक है क्या क्या वो दो कंपोनेंट वो है सॉल्यूट पोटेंशियल जिसका एक और नाम है ऑस्मोटिक पोटेंशियल और दूसरा कॉम्पोनेंट है जो वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करेगा वो है प्रेशर पोटेंशियल इस लेक्चर में लेक्चर नंबर नाइनटीन में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में ठीक है ऑल राइट right. जिसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल के नाम से भी हम जानते हैं फिर लेक्चर नंबर ट्वेंटी में हम पढ़ेंगे प्रेशर पोटेंशियल के बारे में तो चलो सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में पढ़ना शुरू करें मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड तो अब पढ़ते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में सॉल्यूट पोटेंशियल का सिंबल देखो वही त्रिशूल है बस अब नीचे W के जगह सब्सक्रिप्ट में S है ठीक है एस तो हम कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल का ये सिंबल है डेफिनेशन देखो द डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट्स इन अ सिस्टम इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल यानी कि एक सिस्टम में प्योर वाटर था तो हमने कहा कि इस सिस्टम का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है ठीक है अगर एक सिस्टम में सिर्फ प्योर वाटर है तो हम कहते हैं इस सिस्टम का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है याद करो याद करो मैंने कहा था ना मैक्सिमम है एक सिस्टम में अगर प्योर वाटर है तो उस सिस्टम का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है अगर आप उस सिस्टम में सॉल्यूट मिला दिए एडिशन ऑफ सॉल्यूट तो उस सिस्टम का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा घट जाएगा डिक्रीज हो जाएगा उसी को ही हम कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल ठीक है द डिक्रीमेंट इन वॉटर पोटेंशियल ड्यू टू द एडिशन ऑफ सोल्यूट इन इज कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल सोल्यूट की कुछ पोटेंशियल है जैसे आपने उसे एड किया वाटर में प्योर वॉटर में वो क्या करेगा प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल को घटा देगा और राइट right? तो इसे हम कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल देखो ऐसे समझो वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम विच इज जीरो ये मैं चीज़ आपको अच्छे से बता के आया हूँ लेक्चर नंबर सेवेंटीन में कि वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का मैक्सिमम होता है और वो भी कितना जीरो इट इज अ फैक्ट यू गाइज विल हैव टू रिमेंबर ठीक है द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम विच इज जीरो से वी एडेड फाइव सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन प्योर वाटर तो हमने क्या किया ये जो प्योर वाटर था ना जिसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम था यानी कि जीरो था उसमें हमने क्या किया पांच सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए इन दैट प्योर वॉटर तो बताओ वॉटर पोटेंशियल घट जाएगा आपने पांच सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐड किए ना तो वॉटर पोटेंशियल ऑफ दैट सॉल्यूट सॉल्यूशन विल बी माइनस फाइव प्योर वॉटर था वाटर पोटेंशियल एकदम मैक्सिमम था जीरो ठीक है आपने इस प्योर वाटर में क्या किया सॉल्यूट मॉलिक्यूल पांच सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए तो अब ये प्योर वाटर प्योर वाटर नहीं रहा अब ये सोल्यूशन बन गया और उस सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल घट गया मैक्सिमम जीरो था अब जीरो से कोई चीज घटेगा तो वो माइनस में ही जाएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस फाइव हो गया क्योंकि आपने पांच सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ऐड किए इस प्योर वाटर में और ये प्योर वाटर अब प्योर वाटर से सॉल्यूशन बन गया और जो कि आपने पांच सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐड किए थे ना इस प्योर वाटर में तो इस प्योर वाटर का जो कि अब सोल्यूशन बन गया है इसका वाटर पोटेंशियल जीरो से घट जाएगा और माइनस फाइव हो जाएगा अगर आपने छ सोल सूट मोलिक्यूल्स एड किए होते प्योर वाटर में तो माइनस सिक्स हो जाता वाटर पोटेंशियल आप वाटर पोटेंशियल को क्या कर रहे हो घटा दे रहे हो सोल्यूट ऐड करके ठीक है तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जा रहा है डिक्रीज हो जा रहा है उसे ही तो हम कह रहे हैं क्या सोल्यूट पोटेंशियल देखो पोटेंशियल इज का वो पोटेंशियल जो वाटर पोटेंशियल को कम कर दे ठीक है सोल्यूट के अंदर पोटेंशियल है वाटर पोटेंशियल को कम कर देने की कैसे जब हम एडिशन ऑफ सोल्यूट करते हैं तब डिक्रीज हो जाता है वाटर पोटेंशियल तो वाटर पोटेंशियल इज सॉल्यूट का वो पोटेंशियल जो वाटर पोटेंशियल को कम कर दे ठीक चलिए अब आगे देखते हैं सोल्यूट पोटेंशियल यानी कि ये जो साई एस है इक्वल्स टू डेल्टा वाटर पोटेंशियल अब यहां पे आपको एक चीज मैं बोलने जा रहा हूं देखो प्योर वाटर था उसका उसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम था जीरो आपने सोल्यूट ऐड किया पांच सोल्यूट ऐड किया पांच मॉलिक्यूल सोल्यूट का तो वाटर पोटेंशियल कितना कम हुआ माइनस फाइव माइनस फाइव हो गया पांच सॉल्यूट ऐड करने से अगर आपने चार किया होता तो कितना हो जाता वाटर पोटेंशियल माइनस चार तो क्या हो रहा है सॉल्यूट ऐड करने से प्योर वाटर में क्या हो रहा है वाटर पोटेंशियल घट जा रहा है ठीक है जितना घट रहा है ना उसी को कह हम कह रहे हैं सॉल्यूट पोटेंशियल प्योर वाटर में आप क्या कर रहे हो सॉल्यूट ऐड कर रहे हो एडिशन ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट ऐड करने से वाटर पोटेंशियल घट जाता है जितना घट रहा है वही सॉल्यूट पोटेंशियल है आपने पांच सॉल्यूट ऐड किए प्योर वाटर में राइट right? तो वाटर पोटेंशियल कितना माइनस फाइव हो गया कितना कमा पांच गुना माइनस पांच गुना नहीं मतलब माइनस फाइव हो गया माइनस फाइव तो जितना घटा है ना वही सॉल्यूट पोटेंशियल है ना तो यहां पे मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि देखो जैसे यहाँ पे हमारा से uh, सोल्यूट है ठीक फिर उसके बाद सॉल्यूट पोटेंशियल है वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल ठीक आपने एक सोल्यूट मॉलिक्यूल ऐड किया वाटर पोटेंशियल माइनस वन हुआ ठीक है तो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है यही तो है माइनस वन जितना कम हुआ है, उतना ये भी कम हुआ यही तो हो गया सॉल्यूट पोटेंशियल जो कमी आए उसी को तो आप कह रहे सॉल्यूट पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम जीरो था प्योर वाटर का आपने एक मॉलिक्यूल सॉल्यूट का डाला माइनस वन हो गया तो जितना कम हुआ ना उसे ही तो आप कह रहे हो सॉल्यूट पोटेंशियल द डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट इन सिस्टम इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल आप दो मॉलिक्यूल एड करो माइनस हो जाएगा वाटर पोटेंशियल इसे तो आप कह रहे हो सॉल्यूट पोटेंशियल कितना कम हुआ माइनस टू तो वही तो है सॉल्यूट पोटेंशियल अब आप इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड लो मैग्नीट्यूड लो मैग्नीट्यूड यानी कि क्या मैग्नीट्यूड में हम प्लस माइनस नहीं देखते जैसे माइनस टू है ऐसे मैग्नीट्यूड लगा दिया तो तो ये हो जाता है आप वेक्टर वेक्टर में हो में पढ़े तो फिजिक्स दोनों का अगर मैग्नीट्यूड ले तो दोनों एक दूसरे के बराबर है दो सॉल्यूट डालने से वाटर पोटेंशियल कितना कम हुआ दो कम हुआ सॉल्यूट तो पोटेंशियल कितना आएगा दो क्योंकि तो आपने दो सॉल्यूट यूज किया तो यहाँ पे आप इसका मैग्नीट्यूड ले लो तो दोनों तो इक्वल टू ही है ना देखो टू इक्वल टू टू तो इसलिए सॉल्यूट पोटेंशियल इक्वल्स टू डेल्टा वाटर पोटेंशियल ठीक है वाटर पोटेंशियल में जो चेंज आया है ना चेंज सॉल्यूट ऐड करने से आपने सॉल्यूट ऐड किया और वाटर पोटेंशियल में चेंज आया कितना का चेंज आएगा जितना आपने सॉल्यूट ऐड किया था ठीक है तो उतना ही चेंज आएगा वाटर पोटेंशियल में और जो चेंज आया वही तो सॉल्यूट पोटेंशियल है तो सॉल्यूट पोटेंशियल इक्वल्स टू चेंज इन वाटर पोटेंशियल समझ गया ना ये यह, यह, यहां पे फिजिक्स आता है ना इसीलिए आपका दिमाग उतना काम नहीं कर रहा होगा बायोलॉजी रहता तो फट से समझ जाते सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है वापस से एक बार समझा देता हूँ सुनो फिजिक्स का तो मैं टीचर नहीं हूं लेकिन कोशिश कर रहा हूं समझाने का सॉल्यूट वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल पांच सॉल्यूट ऐड किया ठीक है मैक्सिमम कितना होता है वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का जीरो आपने लेकिन पांच मॉलिक्यूल सॉल्यूट के मिला दिए तो माइनस फाइव हो गया वाटर पोटेंशियल घट गया कितना घटा माइनस फाइव जीरो से माइनस फाइव तो माइनस फाइव करो ना कितना घटा पहले जीरो था जीरो से माइनस फाइव कर दो माइनस फाइव तो ये आपका सॉल्यूट पोटेंशियल है ठीक है राइट तो सॉल्यूट पोटेंशियल इक्वल्स टू डेल्टा वाटर पोटेंशियल राइट दोनों का मैग्नीट्यूड ले लो इक्वल टू हो जाएगा चलो आगे आगे बढ़ते हैं। इसे हम negative sign में शो करते हैं क्यों क्योंकि देखो आपने जब प्योर वाटर में पांच सोलिक्यू सोल्यूट मिलाए थे तो वाटर पोटेंशियल कितना हो गया था माइनस फाइव ठीक है कितना कमा कितना कमा पांच पांच कमा ना माइनस फाइव हो गया क्योंकि आपने पांच सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मिलाए थे एडिशन ऑफ सॉल्यूट कितना पांच मिलाया आपने तो डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल कितना से आया पांच से ठीक तो माइनस फाइव हो गया माइनस फाइव और जो सॉल्यूट पोटेंशियल अभी मैंने कहा आपको सॉल्यूट पोटेंशियल इक्वल्स टू डेल्टा वाटर पोटेंशियल तो जितना वाटर पोटेंशियल है उतना ही सॉल्यूट पोटेंशियल होगा सॉल्यूट पोटेंशियल को भी आप माइनस में लिखोगे क्योंकि डिक्रीजिंग इट इज अ डिक्रीजिंग चेंज क्या हो रहा है वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है जीरो से कोई चीज कम होगा तो माइनस वन होगा माइनस टू होगा माइनस थ्री होगा माइनस फोर होगा माइनस फाइव होगा आपने जो कि पांच सॉल्यूट मिलाए थे तो सॉल्यूट पोटेंशियल कितना कम हुआ माइनस फाइव जीरो से कोई चीज नीचे करोगे अगर आप तो कितना जाएगा माइनस फाइव राइट वाटर पोटेंशियल माइनस हो गया सॉल्यूट पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा माइनस आपने अगर सेवन सॉल्यूट मिलाए होते तो वाटर पोटेंशियल माइनस सेवन हो जाता ठीक है माइनस सेवन हो जाता वाटर पोटेंशियल तो कितना का चेंज आया माइनस सेवन का जीरो से माइनस सेवन तो आपका सॉल्यूट पोटेंशियल वही तो है डिक्रीमेंट जितना डिक्रीमेंट हुआ है तो माइनस सेवन द डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल अब ये डिक्रीज क्यों हो रहा है एडिशन ऑफ सॉल्यूड से तो डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल माइनस सेवन का डिक्रीज हुआ वाटर पोटेंशियल में तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी कितना होगा माइनस सेवन का फाइव का हुआ तो माइनस फाइव का समझ रहे हो ना नेक्स्ट पॉइंट देखो द मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स द लोअर इज सॉल्यूट पोटेंशियल जितना ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल मिलाओगे उतना कम लोअर यानी कि मोर नेगेटिव आपको सॉल्यूट पोटेंशियल देखने को मिलेगा जितना ज्यादा सॉल्यूट आपने पांच सॉल्यूट मॉलिक्यूल मिलाए थे वाटर पोटेंशियल माइनस फाइव आया सोलिड पोटेंशियल माइनस फाइव आप छह मिलाओ आपको ये माइनस छ माइनस छ और नेगेटिव में दिखेगा मोर नेगेटिव दिखेगा और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा सॉल्यूट पोटेंशियल जितना ज्यादा सॉल्यूट आप ऐड करते रहोगे आप दस सॉल्यूट ऐड किए वाटर पोटेंशियल कितना माइनस टेन हो जाएगा तो सॉल्यूट पोटेंशियल कितना आपको देखने को मिलेगा माइनस टेन क्योंकि जो डिक्रीज हुआ है वाटर पोटेंशियल में वही तो सॉल्यूट पोटेंशियल है और ये डिक्रीज क्यों है वाटर पोटेंशियल में आपने सॉल्यूट मिला मिलाया है ठीक है ये देखो सॉल्यूट मिलाया आपने ठीक तो मोर सॉल्यूट आप ऐड करो उतना ही लो जाएगा आपका सॉल्यूट पोटेंशियल यानी कि मोर नेगेटिव और नेगेटिव पहले माइनस फाइव आपने छ मिलाया माइनस सिक्स हो गया आपने दस सॉल्यूट मिलाया माइनस टेन हो गया मोर नेगेटिव हो रहा है द मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स द लोअर इज द सॉल्यूट पोटेंशियल जितना सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बढ़ाते जाएंगे एक सॉल्यूशन में उतना ही सॉल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी ठीक है जितना ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मिलाते जाओगे आप 20 सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मिला दो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू माइनस हो जाएगी क्योंकि प्योर वाटर जो था प्योर वाटर उसका वाटर पोटेंशियल होता है कितना जीरो आपने बीस सॉल्यूट मॉलिक्यूल मिला दिए इसमें तो घट जाएगा वाटर पोटेंशियल माइनस ट्वेंटी हो जाएगा जितना सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मिलाओगे उतना ही डिक्रीमेंट आएगा वाटर पोटेंशियल में और उसे डिक्रीमेंट को कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल तो कितना का डिक्रीमेंट आया माइनस ट्वेंटी का तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी तो जितना सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बढ़ाते जाएंगे एक सोल्यूशन में उतना ही सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी माइनस फाइव था जब पांच मिलाया था बीस मिलाया माइनस ट्वेंटी हो गया ज्यादा नेगेटिव हो गया क्योंकि आपने ज्यादा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए उस सॉल्यूशन में ऑल right. चलो जिसको ये समझ में आ गया ना उसको तो ये बाकी सारी चीजें समझ में आ गई ठीक वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है जो कम हो रहा है ना जो कम हो रहा है इसीलिए डेल्टा है जो कम हो रहा है जितना कम हो रहा जो है जो मैग्नीट्यूड है पांच सॉल्यूट मॉलिक्यूल मिलाया वाटर पोटेंशियल में पांच की कमी आ गई तो वही पांच की जो कमी आई है वही पांच क्या है सॉल्यूट पोटेंशियल भी है ठीक है वो मैग्नीट्यूड वो डिक्रीमेंट जो है ऑलराइट right. और डिक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग चेंज है ना कम हो रहा है तो आप क्या करोगे नेगेटिव साइन दिखाओगे नेगेटिव दिखाओगे ओके okay? क्यों क्योंकि कम वाला हूं। ध्यान से सुनना। हमें पता है एक प्योर वाटर की जब हम बात करें तो मैंने आपको बोला है प्योर वाटर में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो जीरो होता है यानी कि मिनिमम होता है क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ध्यान से सुनना ऑस्मोटिक प्रेशर जितना मिलाओगे pure water में उतना ही बढ़ेगा लेकिन है आपने सॉल्यूट नहीं मिलाया है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो होगा और प्योर वाटर का जो हमारा वाटर पोटेंशियल होता है साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल वो जीरो होता है मैक्सिमम होता है प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है कितना जीरो देखो वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम विच इज जीरो ये फैक्ट है है आपको याद रखना ठीक अब मैं क्या पांच मॉलिक्यूल सॉल्यूट के इस प्योर वाटर में मिला दूंगा तो अब ये क्या बन गया एक सोल्यूशन बन गया तो जैसे ही मैंने पांच मॉलिक्यूल सॉल्यूट के मिलाए तो आप बताओ क्या इस सोल्यूशन का अब यह सोल्यूशन बन गया ना तो सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसेंट्रेशन आपने जैसे सॉल्यूट मिलाया ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा कितना बढ़ेगा आपने मॉलिक्यूल बढ़ाया सॉल्यूट का मिलाया है मतलब प्योर वाटर में और ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसेंट्रेशन पांच मॉलिक्यूल सॉल्यूट का मिलाया तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू फाइव ओपी इक्वल्स टू फाइव ठीक लेकिन प्योर वाटर में सॉल्यूट मिलाने से एडिशन ऑफ सॉल्यूट प्योर वाटर में मिलाने से वाटर पोटेंशियल क्या होगा घट जाएगा उसी को हम कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल तो जो हमारा वाटर पोटेंशियल था प्योर वाटर का जो कि जीरो था आपने जैसे उसमें पांच मॉलिक्यूल सॉल्यूट का मिलाया तो वो जो सॉल्यूशन था उसका वाटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा माइनस फाइव और जितना घटा है ना माइनस फाइव उसी को हम क्या कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल ठीक है द डिक्रीज इन वॉटर पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट इन सिस्टम इज कॉल्ड सोल्यूड पोटेंशियल जितना वाटर पोटेंशियल में गिरावट आई है डिक्रीमेंट आई है उस मैग्नीट्यूड को ठीक है जितना वो गिरावट हुआ है ना जितना घटा है उसे हम क्या कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल तो देखो वाटर पोटेंशियल माइनस फाइव हो गया सॉल्यूट पोटेंशियल भी माइनस फाइव हो जाएगा जब आप पांच सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मिलाओगे तो हमने भी तो वही किया पांच सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मिलाया तो हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर था माइनस फाइव हो गया यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल माइनस फाइव हो गया कितना से घट माइनस फाइव हुआ ना तो वही तो हमारा सॉल्यूट पोटेंशियल है एडिशन ऑफ सॉल्यूट से डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल उसी को हम कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल का एक और नाम है ऑस्मोटिक पोटेंशियल और राइट आप अगर यहां दस मिलाते सॉल्यूट तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर दस हो जाता और आपका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है ये माइनस दस हो जाता समझ में आ रहा है ना तो देखो ये जो हमारा सॉल्यूट पोटेंशियल है ना ये माइनस में है क्यों क्योंकि इट इज अ डिक्रीजिंग चेंज डिक्रीज हो रहा है वाटर पोटेंशियल घट रहा है डिक्रीजिंग चेंज है और डिक्रीज जब भी होता है तो हम उसमें नेगेटिव साइन लगा देते हैं इसीलिए आपने माइनस लगा दिया यहाँ पे माइनस टेन कर दिया जब दस सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स मिला है ठीक है समझ में आ रहा है ना बात तो मैं एक चीज कह सकता हूं यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओपी जो ओपी आया है ना जो ओपी में चेंज हुआ है प्योर वाटर में पांच सॉल्यूट मॉलिक्यूल आपने मिलाया तो ऑस्मोटिक प्रेशर पांच हो गया तो सॉल्यूट पोटेंशियल को मैं माइनस ऑफ ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकता हूँ इसी के पांच के पीछे एक माइनस लगा दो तो आपका सॉल्यूट पोटेंशियल आ जाएगा ठीक है तो सॉल्यूट पोटेंशियल इक्वल्स टू तो माइनस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है जैसे देखो यहां पे आपको एनसीआर पेज नंबर वन एट्टी वन पे लास्ट फोर लाइंस जब आप पढ़ोगे तो आपको यह लिखा हुआ मिलेगा फोर फोर या फाइव लाइन बोलो लिखा हुआ है न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल न्यूमेरिकली दोनों सेम होते हैं ठीक है आप अगर दस वाटर दस सॉल्यूट मिलाओ तो ये दस हो जाएगा ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी दस हो जाएगा अब बीस सोल्यूट मिलाओ ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा उस ऑस्मोटिकेशन का और ऑस्मोटिक पोटेंशियल बीस हो जाएगा घट के ठीक है करो आप इसको, क्योंकि जो हमारा सोल्यूट पोटेंशियल है ये डिक्रीजिंग चेंज है है डिक्रीजिंग चेंज ठीक है ऑस्मोटिक प्रेशर इज द पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है एक सोल्यूशन का

ठीक है तो आई होप का जो लाइन है आपको समझ में आ गया होगा तो यहीं पे हम सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में बात किए तो इस लेक्चर में हमने सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में पढ़ा हमने कहा कि वाटर पोटेंशियल इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग कंपोनेंट सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल लेक्चर नंबर नाइनटीन में हमने पढ़ा या ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बारे में लेक्चर नंबर ट्वेंटी में हम पढ़ेंगे प्रेशर पोटेंशियल के बारे में ठीक है तो यहीं पे लेक्चर होता है समाप्त आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा तो मिलते हैं आपसे ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स के अगले लेक्चर में तब तक के लिए बाय थैंक यू टेक केयर